बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल स्टडी जॉब एंड एनालिसिस में। पिछले कुछ वीडियो में मेंटेनेंस ऑफ पावर प्लांट पर एक वीडियो बनाने के कमेंट्स आए थे, तो दोस्तों आज के इस वीडियो का टॉपिक है मेंटेनेंस ऑफ पावर प्लांट। इस पूरे वीडियो में हम जिन मेन टॉपिक्स पर बात करेंगे और डिस्कस करेंगे वो इस प्रकार हैं, मेंटेनेंस इंट्रोडक्शन एंड टाइप ऑफ मेंटेनेंस। दोस्तों इस टॉपिक पर डिस्कस करें उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ आपको जानकारी भरी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलिए जान लेते हैं मेंटेनेंस क्या होता है। किसी भी उपकरण को नॉर्मली वर्क या ऑपरेट करने के लिए और उसकी पूरी इफ़िशियंसी के साथ उसका आउटपुट लेने के लिए शेड्यूल के हिसाब से जो काम किया जाता है उसे मेंटेनेंस कहते हैं। नॉर्मली मेंटेनेंस दो प्रकार के होते हैं, पहला प्लान्ड और दूसरा अनप्लान्ड। अगर आप प्लान करके कोई मेंटेनेंस करवा रहे हैं तो उसे प्लान्ड मेंटेनेंस कहते हैं, और अचानक कोई काम आ जाए जैसे इक्विपमेंट खराब हो गए, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, तो उसे अनप्लान्ड मेंटेनेंस के अंदर लेते हैं। और इन सब में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सभी उपकरण का मेंटेनेंस एक जैसा नहीं होता, यह मशीनों की आवश्यकता और उसके इम्पोर्टेंस पर आधारित होते हैं। पावर प्लांट में भी सभी सर्विस डिपार्टमेंट जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंट, ये सभी मेंटेनेंस के प्रकार को फॉलो करते हैं। मेंटेनेंस का मुख्य उद्देश्य मशीनों और उपकरण के उपयोग और उनके उत्पादकता में वृद्धि और कंपनी के लागत को कम करना होता है। दोस्तों पावर प्लांट में जो भी मशीन या मैकेनिज्म प्रयोग किया जाता है वो क्रिटिकल होता है, जैसे टरबाइन, पंप, फैन, कंप्रेसर, इस तरह के बहुत सारे इक्विपमेंट हैं जो पावर प्लांट में अच्छी एफिशिएंसी के साथ रन कराने में मददगार होते हैं। और रनिंग प्लांट के दौरान यदि कोई भी मशीनरी या इक्विपमेंट खराब होते हैं तो उसका पावर जनरेशन पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, या हो सकता है पावर जनरेशन रुक जाए या इससे जुड़ी कई समस्याएं क्रिएट भी हो सकती है और आपके कई प्रोसेस लॉस हो सकते हैं और इनका रिप्लेसमेंट भी कहीं ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो इन्हीं सबके केस को कम करने के लिए मेंटेनेंस को एक व्यवस्थित ढंग से उसे अलग अलग भाग में बांटा गया है और मेंटेनेंस को अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग तरीके से मेंटेनेंस करना बताया गया है। अब यदि बात करें टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस की तो हर पावर प्लांट में मेंटेनेंस के अपने अपने तरीके और कई टेक्निक्स होते हैं, लेकिन उनमें कुछ मेंटेनेंस के बेसिक टाइप्स हैं जो कि लगभग हर पावर प्लांट में या हर इंडस्ट्री में फॉलो किए जाते हैं। वो टाइप कुछ इस प्रकार हैं। पहले नंबर पे है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या PM, दूसरे नंबर पे है प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, तीसरे नंबर पे करेक्टिव मेंटेनेंस, चौथे पे ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, पाँचवें पे कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस और छठे नंबर पे है TTM यानी टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। तो पहला है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। किसी भी उपकरण का ब्रेकडाउन हो उससे पहले उसके संभावित कारणों को दूर करने के लिए हम जो मेंटेनेंस करते हैं उसे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या PM कहते हैं। इस मेंटेनेंस के लिए हम एक व्यवस्थित कार्यक्रम बनाते हैं और हर इक्विपमेंट और उसकी कैपेसिटी को देखते हुए उसका एक शेड्यूल तैयार करते हैं और इस मेंटेनेंस को नियमित रूप से फॉलो करते हैं, जिससे हम उपकरण की लाइफ और उसकी कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं। शेड्यूल वाइज होने की वजह से प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को शेड्यूल मेंटेनेंस भी कहा जाता है। वैसे इसके लिए इंग्लिश में एक कहावत सुनी होगी, प्रिवेंटिव इज बेटर देन क्योर। इस मेंटेनेंस का लाभ ये है कि उपकरण की लाइफ बढ़ जाती है, मेंटेनेंस का खर्च कम आता है, प्लानिंग से होने की वजह से इसमें समय की पाबंदी भी नहीं होती। अगला टॉपिक है प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। अगर हम किसी उपकरण में एबनॉर्मेलिटी देखते हैं और उस एबनॉर्मेलिटी की वजह से भविष्य में होने वाले ब्रेकडाउन को दूर करने के लिए जो कदम उठाते हैं या जो मेंटेनेंस करते हैं उसे हम प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं। इस मेंटेनेंस के दौरान इक्विपमेंट के स्टेटस और उसके पैरामीटर चेक किए जाते हैं, साथ ही उसमें वाइब्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर जैसे पैरामीटर नियमित रूप से चेक किए जाते हैं। डेली के देखरेख और ऑन साइट इंस्पेक्शन के द्वारा एकत्र किए गए डेटा विश्लेषण के आधार पर तैयार किया जाता है। यदि इनमें कोई एबनॉर्मेलिटी फाउंड होता है तो इससे रिलेटिव डिपार्टमेंट से संपर्क करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस प्रॉब्लम को 100% तो सॉल्व नहीं कर सकता, परंतु आने वाले प्रॉब्लम या ब्रेकडाउन के चांसेस को काफ़ी हद तक कम कर देता है। तीसरे नंबर पर आता है करेक्टिव मेंटेनेंस। इस टाइप के मेंटेनेंस में समस्या के कारणों का जायजा लिया जाता है ताकि एक बार जो समस्या हो चुकी है वो दोबारा से ना हो। जायजा लेने के बाद उस प्रॉब्लम को करेक्ट करने के लिए जो हम कदम उठाते हैं उस तरह के मेंटेनेंस को करेक्टिव मेंटेनेंस कहा जाता है।
इस तरह के मेंटेनेंस में बेनिफिट ये रहता है कि परफेक्ट समस्या पर ही दोबारा काम करना होता है, तो उसके लिए ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत नहीं होती है। एक उदाहरण के तौर पर देखें तो फील्ड में काम करने वाले ऑपरेटर या टेक्नीशियन के नज़र में आता है कि किसी मशीन से एबनॉर्मल साउंड आ रही है। चेक करने के बाद पता चलता है कि आवाज़ पंप के बेयरिंग खराब होने से आ रही है, तो उसके बाद बेयरिंग खराब होने के कारण ढूंढे जाते हैं, जैसे कि बेयरिंग में ग्रीस नहीं था, पंप का अलाइनमेंट सही नहीं था, ओवरलोड हो रहा था, इस तरह के कई प्रॉब्लम हैं। उस विशेष कारण को ढूंढ के उसका समाधान किया जाता है, उसे करेक्ट किया जाता है। ये सभी करेक्टिव मेंटेनेंस के अंतर्गत आते हैं। हमारा अगला टॉपिक है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। ऐसा कोई भी इक्विपमेंट जो किसी प्रकार की समस्या से बंद हो जाता है, या उस इक्विपमेंट को प्रॉपर रन कराने के लिए जब हम उस इक्विपमेंट पर काम करते हैं, तो ऐसे कंडीशन को हम ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कहते हैं। इस प्रकार के मेंटेनेंस में मशीन का टूट जाना, उसके पार्ट डैमेज होना, या रनिंग में ही उसके पार्ट डिसमेंटल हो जाना, शॉर्ट सर्किट या कोई भी ऐसी समस्या जो अचानक आ जाती है और जिसके कारण हमारा मशीन बंद पड़ जाता है, ये सभी आते हैं। इस मेंटेनेंस को अन्य मेंटेनेंस की तुलना में खराब माना जाता है, और कोई भी मैनेजमेंट, वो चाहे मालिक हो, कर्मचारी हो या हेल्पर हो, वो नहीं चाहता कि ब्रेकडाउन हो, क्योंकि इस मेंटेनेंस में समय का भी दबाव रहता है। इस मेंटेनेंस से बचने या इसके केस को कम करने के लिए हमें प्रिवेंटिव और प्रोडक्टिव मेंटेनेंस की तरफ ज़्यादा सजग रहना चाहिए, ताकि ब्रेकडाउन जैसी समस्या कम से कम हो या ना हो। हमारा अगला टॉपिक कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस। कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस ये ज़्यादा कुछ नहीं बल्कि किसी भविष्य में होने वाले ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के लिए एक अंदाज़ा लगाना कह सकते हैं। इस मेंटेनेंस के तहत आप इक्विपमेंट के कंडीशन पर नज़र बनाए रखते हैं और उसका जायज़ा लेते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी मोटर या पंप का जब आप वाइब्रेशन लेते हैं, तो उस वाइब्रेशन की रीडिंग में एक इंडिकेशन है कि बेयरिंग की कंडीशन क्या है, बेयरिंग खराब है, सही है या कुछ और प्रॉब्लम है। पावर प्लांट में इक्विपमेंट कंडीशन में प्रॉपर मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए, क्योंकि इसी कंडीशन बेस्ड का पैरामीटर डिसाइड करता है कि किस टाइप के मेंटेनेंस के लिए हमें प्रिपेयर होना है। नेक्स्ट है TPM, यानी टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। यह एक जापानीज कॉन्सेप्ट है। इट इज़ अ कॉरपोरेट कल्चरल चेंज प्रोग्राम डेवलप्ड बाय जापान इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट मेंटेनेंस। TPM एक प्रोएक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसका उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार के भविष्य में होने वाले फेलियर्स को रोका जा सके। यह एक मेंटेनेंस प्रोग्राम है जो इक्विपमेंट मेंटेनेंस और प्रोडक्टिविटी ऑफ इक्विपमेंट को अनुकूल रखने के लिए एक नई परिभाषित अवधारणा है। TPM रातों रात लागू नहीं किया जा सकता। इसे सिस्टम में लाने के लिए सभी का सहयोग, कुछ टर्म और सबकी सहभागिता, समय समय पर इसकी ट्रेनिंग, ये सभी ज़रूरी होते हैं। TPM के अंतर्गत आने वाले कुछ स्टेप्स हैं, जैसे 5S 8 Pillars। अगर आप 5S 8 Pillars नहीं जानते या इस पर एक विस्तृत वीडियो कंप्लीट एनालिसिस के साथ चाहते हैं, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरह की जानकारी भरी वीडियोस की अपडेट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।